गोमो का तोपचाची झील एक बार फिर लूटने को तैयार है, जिसका संकेत ये हुए हादसे ने दिया है, जिसमें यहां मौजूद एक पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद इस बात की आशंका और गहरा गई है। ये कोई हादसा नहीं है, ना ही कोई हताहत हुआ है। दरअसल पुल पर हुए इस होल ने खोल दी है माडा की पोल। ये सब कुछ हुआ शहर के गौरव माने जाने वाले तोपचाची झील परिसर में, जहां शहर के ही नहीं राज्य और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग सुकून के दो पल ढूंढने आते हैं। लिहाजा इस झील के सौंदर्यीकरण को लेकर पिछले 5 सालों में माडा की ओर से 30 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाएं तैयार की गई और इन योजनाओं में जमकर अनियमितता बरती गई। इन्हें लेकर आवाजें तो उठाई गई लेकिन दबा दी और नतीजा सामने है। ये पर्यटक का बहुत बड़ा ये था, लेकिन इसको जो है कि यहाँ के कुछ चंद माने ठेकेदारों लोगों ने काम करके इसको बर्बाद कर देता है और झूठ मूठ का जो है कि बोलता है यहाँ पे ये पर्यटक कहीं होता नहीं, पर्यटक आता नहीं है, पर्यटक के लिए सुविधा नहीं मिलेगा। अभी तो एक पुल बना धस गया, कल दिन कोई गाड़ी रहता, यात्री गाड़ी रहता तो आदमी को दुर्घटना होता। इसलिए संवेदक और जो अभियंता है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, मैं सरकार से ही यहाँ। लूट की कहानी एक बार फिर शुरू है। यहाँ बनने वाले 5 किलोमीटर लंबे सड़क के निर्माण, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि मेन कॉन्ट्रैक्टर ने यह ठेका बेटी पर दिया है और बेटी कॉन्ट्रैक्टर ने भी ठेका बेटी पर दे दिया है। आसान शब्दों में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जिसे काम मिला उसने कमीशन लिया और काम किसी और ठेकेदार को दे दिया। इसके बाद ठेकेदार ने अपना कमीशन लिया और ये काम किसी दूसरे ठेकेदार को दे दिया। कुछ ऐसा ही हुआ होगा ढोलकता नाले में बने पुल के निर्माण। तभी तो सड़क निर्माण में लगा हाईवा जब पुल से गुजरा तो बाटा कर्मी ने उसे वहां रोकने की कोशिश की, लेकिन हाईवा जबरन वहां से गुजरा और पुल धस गया और हाईवा गड्ढे में समा गया। 17 तारीख को 5760 रुपया हुआ था और 18 तारीख का है अप्रैल करके 1955 रुपया गाड़ी आने पर, और आपका यह करके आज का है करीब 1255 रुपये, 75 रुपया। फोर व्हीलर से 100 रुपया लेते हैं, टू व्हीलर से 15 रुपया लेते हैं, बस से 300 रुपया लेते हैं। अच्छा। और ऑटो से 50 रुपया लेते हैं। अच्छा। और पिकनिक चार्ज 100 रुपया। भले ही बाटा कर्मी ये कह रहे हो कि पुल हाईवा का बोझ सहने लायक नहीं था, लेकिन सच तो यही है कि उन्हें भी इस बात की जानकारी रही होगी कि पुल के निर्माण में जमकर लूट हुई है और पुल की गुणवत्ता बेहद घटिया है। तभी तो वो हाईवा को वहाँ से गुजरने नहीं देना चाहते थे। पुल में गाड़ी गिर गया, मेटल ले जा रहा था हाईवा से। अच्छा। हमको तो कल रेस था। अच्छा। हमको मालूम हुआ शाम को कि अच्छा। गाड़ी पलटी हो गया है कलकत्ता नाला में। अच्छा। अब उन लोग को पहले हम बोल दिए थे कि गाड़ी जब भी माल गिराएगा तो ट्रैक्टर से, वो लोग माना नहीं। अच्छा। जबरन काम किया तो टूट गया पुल का, तो हाल तो जर्जर पहले से भी था। बोले थे कि जब भी माल गिराएगा तो छोटा गाड़ी ट्रैक्टर से। मजे की बात तो ये है कि ये सब तब हो रहा है जब यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और झील के जरिए कमाई भी हो रही है। बावजूद अधिकारी और ठेकेदार इसकी खूबसूरती पर भ्रष्टाचार का दाग लगाने से परहेज नहीं कर रहे। यकीन मानिए, ढोलकता पुल के क्षतिग्रस्त होने पर माडा कर्मियों को अफसोस बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, बल्कि वो तो इस पुल के पुनर्निर्माण से होने वाली कमाई के मंसूबे बना रहे होंगे। न्यूज 11 भारत के लिए गोमो से राजू प्रसाद की रिपोर्ट।